10.1 में बेटा, बुक में देख, बुक में 10.1 में क्या दिया बेटा, इसमें तो फिल इन द ब्लैंक्स से बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। पहला द, अब कुछ बच्चों ने तो अब ये तो तुम दिक्कत करते हो ना, तुम लोगों ने पहले से आंसर भरे होते हैं और पीछे कोई चेक नहीं करेगा भाई। 10.1 निकालना, नहीं मिली अभी तक, 10.2 से पहले होगी, चैप्टर नंबर 12 में तो होगी नहीं। वो क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ सर्कल लाई डैश ऑफ सर्कल करें एक्सटीरियर और इंटीरियर। अरे जैसे ये कह रहा है जैसे हमारा दिल है, हार्ट है, हार्ट का हमारा अंदर है ना, बॉडी के अंदर है, तो सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, उसके सर्कल का सेंटर सर्कल के अंदर होता है, तो मतलब कहाँ होगा, इंटीरियर में, मतलब कहाँ होगा, इंटीरियर में, इंटीरियर होगा, ठीक है ना, अंदर होगा ना। बताओ साहिल अगला, द पॉइंट, ध्यान दो, द पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन द डैश ऑफ सर्कल। अब पहले आप इसका मीनिंग समझो, एक बार जो भी क्वेश्चन आता है एक बार तुम वैसे ही पढ़ दो नॉर्मल थ्योरी की तरह। अब क्या बोल रहा है, अ पॉइंट हूज डिस्टेंस, एक पॉइंट हूज सर्कल ड्रॉ करो इसमें समझने के लिए, है ना, कि द पॉइंट हूज डिस्टेंस, द पॉइंट, अ पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। मतलब जैसे भाई सर, ये OA क्या है, AO सर्कल का रेडियस है। अभी अगर अ पॉइंट हूज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, अब यार मान लो करे एक पॉइंट है जैसे हमने OA खींचा है, वो सर्कल का रेडियस है, तो उसका डिस्टेंस कहाँ से है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक। अब एक और ऐसे ही हम एक और लाइन खींच रहे हैं, सर्कल के सेंटर से ही खींच रहे हैं, पर वो क्या है, जो लाइन खींचेंगे ना वो लाइन रेडियस से क्या होगी, ये जो मैं लाइन खींची है क्या ये रेडियस से बड़ी है, ये लाइन जो खींची है ये रेडियस से बड़ी है, थोड़ा बाहर लिया हुआ तो रेडियस से बड़ी होगी ये। तो ये जो अगर मुझे OB लाइन को OA से बड़ा करना है, अगर मुझे OB लाइन को OA से बड़ा करना है तो B पॉइंट अंदर रहना चाहिए बाहर रहना चाहिए, बाहर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, एक्सटीरियर, यानी जो B पॉइंट हो वो क्या रहेगा, सर्कल के बाहर रहेगा। खैरावत कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। आगे द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, मैंने ये पहले बता दिया था आपको, ये तो मैंने आपको पहले बताया था ना बेसिक क्लास में कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, डायमीटर एक सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, इसका आंसर होगा डायमीटर। क्या होगा इसका आंसर, डायमीटर, इसका आंसर होगा डायमीटर, क्या होगा, डायमीटर। अगला कह रहा है एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड आर एंड्स ऑफ डायमीटर, क्या कहना चाह रहा बेटा, करे एन आर्क इज डैश, करे ए कोई आर्क है, ए कोई आर्क है, भाई देखो आर्क है तो यार आर क्या होता है बेटा, मैंने कहा एक सर्कल है, तो जैसे मैंने कहा भाई ये ए है ये बी है, तो ए बी भी क्या है आर की है, और बी सी भी क्या है, ये भी आर की है। अब कह रहे एन आर की डैश, एक आर्क डैश बन जाएगा, डैश बन जाएगा व्हेन इट्स एंड्स आर एंड ऑफ डायमीटर। भैया समझे नहीं, देखो समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ आर्क बोल रहा है, वो आर्क बोल रहा है तो आपने मैंने ऐसे आर्क का इंट्रो कर दिया, वो डायमीटर बोल रहा है, वो डायमीटर बोल रहा है, डायमीटर बोल, सवाल में डायमीटर का नाम लिया गया है, तो एक डायमीटर खींच दो, एक खींच दो,
मान लो कि मैंने एक डायमीटर खींच दिया, तो मान लो एक पी सी एक डायमीटर है, पी सी एक डायमीटर है। अब जब आप इसका मतलब निकालने की कोशिश करोगे ना, करें एक आर्क है, जैसे जैसे पी ए भी आर्क है, ए बी भी, बी सी भी, ए सी भी। अब जो पी सी वाला आर्क है, जो पी सी वाला आर्क है, उसके उसका एक एंड है पी और दूसरा एंड है सी। जैसे ए बी वाला आर्क है तो इसका एक किनारा ए पे आ रहा है, एक किनारा बी पे आ रहा है। पर जो पी सी वाला आर्क है उसके दोनों एंड कहां पर आ रहे हैं? डायमीटर पे आ रहे हैं ना। अरे पी सी वाले आर्क के दोनों किनारे कहां पर आ रहे हैं? डायमीटर पे आ रहे हैं। तो ये बताओ, जैसे यहां तो कुछ ब्रैकेट में लिखा नहीं है, तो कह रहे कि एन आर्क इज डैश, तो कह रहे इस आर्क को आप क्या बोलेंगे? ये जो आर्क है ना, अगर किसी ए पी सी आर्क है उसके दोनों किनारे डायमीटर पे आ रहे हैं, तो चाहे पीसी बोलो चाहे ये वाला पीसी बोलो, इस पीसी को क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। आपको बताया था ना, क्या बताया था मैंने आपको? सेमी सर्कल डेफिनेशन, हाफ आउटर सर्कल। तो पीसी क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हिंदी में अर्धवृत्त। क्या अर्धवृत्त मतलब? अरे अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त यार, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। आगे बढ़े, कौन सा ये फोर था क्या? नहीं फोर था, ठीक है पांचों करते हैं बेटा। पांचों क्या है? क्या बोला? क्या एन आर्क इज नहीं सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखो उसने बोला सेगमेंट ऑफ सर्कल, तो बना दो सेगमेंट। ये सेगमेंट हो गया मान लो, तो सेगमेंट ऑफ सर्कल मैंने पढ़ाया हुआ है। देखो ये सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ सर्कल। मकलोगा भाई मकलोगा, ये जो ये सेगमेंट है ना, तो ये सेगमेंट किसके बीच बन रहा है? सेगमेंट किसके बीच बनता है? सुरेंद्र कॉर्ड सेक्टर के बीच में, जो सेक्टर अंदर आता है ना। सौरभ सेगमेंट किस किसके बीच बनता है? मतलब जो डायमीटर है उसके नीचे। अबे सेगमेंट को कौन बनाता है? पाजी कॉर्ड और आर्क कौन बनाता है इसको? कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड और आर्क। याद याद देख, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। ये देखो तो ये क्या है, ये सेगमेंट किसके बीच बन रहा है? कॉर्ड और आर्क। तो मुझे क्या दिया हुआ यहाँ पर, क्या लिखा था यहाँ पर? आर्क और कॉर्ड। तो फिल्म में क्या आएगा? कॉर्ड आ जाएगा, फिल्म में कॉर्ड आ जाएगा ना। अगला क्या दे रखा है, करें अ सर्कल डिवाइड्स, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन दैट पार्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया नहीं था, ये कह रहा है जब भी आप किसी चीज, जब भी आप कहीं किसी प्लेन चीज पर सर्कल ड्रॉ करते हो, तो वहां पर वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो मैंने कहा था ना सर्कल में तीन रीजन होते हैं, मतलब सर्कल किसी भी चीज को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है। भैया समझ नहीं आया, ये कोई प्लेन चीज है, मैं सर्कल ड्रॉ किया, तो यहां पर आप क्या देख रहा है? कुछ चीज तो सर्कल के अंदर है, कुछ चीज सर्कल के और कुछ चीज क्या है लैंड में भी है ना। ये ए पॉइंट सर्कल के अंदर है, ये बी पॉइंट कहाँ है और सी पॉइंट क्या है? सॉरी है ना। तो क्या हो गए, ये थ्री रीजन हो गए, थ्री पार्ट है ना, थ्री तीन पार्ट हो गए, तीन पार्ट ही है ना, थ्री रीजन हो गए। बताओ ठीक है, एक अंदर, एक सर्कम्फ्रेंस और एक बाहर, ये तो है। ये बोलना चाह रहा है ना, सर्कल डिवाइड द प्लेन। अच्छा आगे हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू में, राइट द ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन योर आंसर। हमें ट्रू फॉल्स देना है और इसका रीजन क्या ये बताना है, हमें इसका रीजन बताना है, इसका क्या बताना है हमें रीजन। देख बेटा
पहला क्वेश्चन कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, ध्यान दो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। मयंक कुमार कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सर्कल तो बोल रहा है, ये सर्कल तो बोल रहा है ना, तो सर्कल ड्रॉ कर दे भाई, सर्कल ड्रॉ कर दे, सर्कल ड्रॉ कर दे, कर सर्कल ड्रॉ, ठीक है। अब कह रहा है लाइन सेगमेंट, एक लाइन है वो ज्वाइन कर रहा है ना, अरे ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ो, ज्वाइनिंग द सेंटर, ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, सेंटर को ज्वाइन कर रहा है टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल, तो एनी पॉइंट ऑन सर्कल, एनी पॉइंट ऑन सर्कल, जैसे मान लो ये बोल दिया मैंने, ये सर्कल में कोई पॉइंट है यहां पर, एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, कोई एनी पॉइंट ज्वाइन कर रहा ना, तो कुछ सेंटर से हम सर्कमफेरेंस तक, अगर हम सेंटर से सर्कमफेरेंस तक कोई लाइन खींच रहे हैं तो मयंक शर्मा क्या वो रेडियस होगा, हाँ बता भाई, सेंटर से जो लाइन खींच रहे हैं सर्कमफेरेंस में, हाँ हाँ वो रेडियस होगा, हाँ रेडियस हो गई, वही रेडियस, वही क्या है रेडियस से। अच्छा यहाँ ही बोल रहा है कि टू एनी पॉइंट ऑन ऑन द सर्कल, इसको सर्कमफेरेंस मुझे बोलना चाहिए, इसने क्या बोला है, सर्कल बोला है, इसका आंसर क्या दिया बच्चा, चेक करिए है ना, क्योंकि इसको कादेसा करिए सर्कमफेरेंस बोल रहा है तो रेडियस होगा, मे भी क्या होगा सर्कल के अंदर बोल रहा कोई पॉइंट, तो है ना ठीक है, यानी सर्कमफेरेंस बोलना चाहता है, तो बता बेटा सही है, ट्रू है ना ये, ट्रू है भाई, ये बात एकदम सही है ना भाई, क्या नाम तुम्हारा, कश्यप, कश्यप क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स, मतलब बेटा एक सर्कल है तो ये इसका सेंटर है ओ, तो कह रहा है एक सर्कल में हम लिमिटेड इक्वल कोड खींच सकते हैं, लिमिटेड इक्वल कोड खींच सकते हैं, जैसे माना कि ये लिमिटेड इक्वल कोड को समझे, ये एक कोड ये है, इसका नाम ए बी, तो मान लो ये एक किसके बराबर है, बी सी, दोनों बराबर है, जैसे है ना, जैसे मैंने खींचा एक एक खींचा मैंने पी क्यू और एक खींचा मैंने है ना एम एन, जैसे मैंने कहा पी क्यू किसके बराबर है, एम एन के बराबर है, तो कह रहा कि हम ऐसे लिमिटेड खींच सकते हैं, अरे फाइनाइट मतलब होता है लिमिटेड कि दो चार छः या सौ बस, कि उस मन एक होता है ना कि जैसे हम ये बताओ हम एक सर्कल में कितने रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, हैं हाँ बहुत सारे या कुछ लिमिटेड, लिमिटेड अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, तो अगर एक सर्कल में हम अनलिमिटेड रेडियस खींच सकते हैं तो एक सर्कल में हम डायमीटर कितने ड्रॉ कर सकते हैं, लिमिटेड अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, तो फिर कोड कितने खींच सकते हैं, तो कोड भी अनलिमिटेड होगा, क्यों, क्योंकि डायमीटर भी क्या होता है, एक डायमीटर भी एक कोड ही होता है ना, डायमीटर भी क्या होता है एक, मैंने क्या बताया कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, तो अगर डायमीटर भी बहुत सारे खींच सकते हैं, अगर डायमीटर एक सर्कल में हम लाखों मतलब एक सर्कल में हम अनलिमिटेड डायमीटर खींच सकते हैं, अनलिमिटेड रेडियस खींच सकते हैं और अनलिमिटेड कोड खींच सकते हैं, सब अनलिमिटेड, क्यों, ये इसका आंसर भी क्या होगा, ये भी कोड, ये भी क्या, ये भी डाय वो ही है, ठीक है, तो ये एक्स वाई रख दो, क्या हो जाएगा अनलिमिटेड, मतलब ये जो इसमें बोला गया फॉल्स बोला गया, फॉल्स, फॉल्स से नहीं फॉल्स। अगला थर्ड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल आर्क, ईच आर्क इज मेजर आर्क, कह रहे भैया एक सर्कल है, एक सर्कल है तो करे एक सर्कल में इफ ए सर्कल डिवाइड इंटू तीन इक्वल आर्क, मतलब एक सर्कल था उसमें हमने तीन इक्वल आर्क खींचे, जैसे एक आर्क, एक एक तो ए है और एक बी है, मतलब जितना ए बी है उतना ही
बट इसको यहाँ खींच दिया याद हो, जितना ए बी है उतना ही बी सी है और उतना ही ए सी है। तो करे अगर हम एक सर्कल में भाई ए सी बराबर बी ए सी बराबर ए बी बराबर बी सी, तो मान लो हमने एक सर्कल में तीन इक्वल आर्क खींच दिए, क्या तीनों आर्क क्या, तो करे तीन क्या हर एक आर्क को हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे, क्या हर एक आर्क मेजर आर्क कहलाएगा, बता भाई क्यों क्या क्या बोलेंगे फिर? सर सारे इक्वल है, इसमें बड़ा है ही कोई। जैसे मान लो तीन बच्चे हैं और तीनों जुड़वा, मतलब दो बच्चे हैं और दोनों जुड़वा हैं, तो क्या हर एक बच्चा बड़ा बच्चा होगा? वही तो बात सर। हाँ तो भाई हर एक बड़ा बच्चा, तो दोनों हर एक को बड़ा नहीं बोलेंगे फिर? हैं है? तो दोनों बड़े, हम लोग बड़ा बच्चा कौन है क्या बोलोगे? दोनों बड़े नहीं है, दोनों बड़े ना बराबर है तो दोनों बड़े नहीं होंगे। तो मान लो कोई छोटा तो है नहीं, अब दोनों बराबर है ना, वही बड़े हो गए। तो अरे बराबर तो खुद ही कह रहा है वो, तीनों आर्क इक्वल है ना, डिवाइड इंटू थ्री इक्वल आर्क, तो हर एक में बड़ा आर्क हो गया ना। अरे दो बच्चे हुए ना, बड़ा बच्चा कौन है? दोनों ही बड़े बच्चे हैं ना, तो हर एक आर क्या बोलेंगे? हर एक आर के मेजर आर की कहलाएगा ना। छोटे बच्चे भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल छोटा भी बोल सकते हैं। हमारा क्या हर एक को, इसने बोला हर एक को बड़ा बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते, हर एक को बड़ा बोल सकते हैं, हर एक बड़ा है तो हर एक को छोटा बोल सकते हैं, हाँ छोटा बोल सकते हैं, छोटा वही है बड़ा यही है, बताओ भाई। तो क्या होगा हर एक, अरे तीनों एक जैसे ही हैं तो तीनों ही बड़े हैं, दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो दोनों ही अपने आप में क्या है, तो हर एक बच्चा अपने लिए बड़ा है ना, कि अब उनमें टाइम को, अब वैसे तो जुड़वा में भी टाइम का डिफरेंस होता है, वो होता होगा, पर मान लो हमने मान लिया। ठीक है भाई, बोलो भाई। ठीक है जी, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ट्रू क्या होना चाहिए, ट्रू। क्या इसका सत्य असत्य, सत्य दिया हुआ ना, अब सत्य है ना, असत्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, असत्य दिया हुआ है, असत्य। तो मेरे हिसाब से सत्य होना चाहिए, हर एक आर्क माइनर आर्क होगा, तीनों ही बड़े अपने आप में। आपकी बात सही है, आपकी बात भी एकदम सही है, गलत नहीं है, पर एनसीईआरटी के हिसाब से उन्होंने फॉल्स दिया हुआ है, पर मेरे हिसाब से मैं तो ये बोलूँगा भाई हर एक आर्क अपने आप में बड़ा आर्क है, बड़ा भी वही है छोटा है वही है। ठीक है, और जो बोल रहा है ठीक है, एनसीईआरटी कह रहा है नहीं इक्वल भी है, तीनों इक्वल भी हैं, बड़ा भी वही है छोटा भी वही है, और किसी घर में एक बच्चा है तो बड़ा बच्चा वही है छोटा बच्चा वही है, बहन वही है भाई वही है। चलो आगे बढ़ते हैं, जब कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर इज अ रीजन, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड, देख रहे सेक्टर जो है, अब भाई सेक्टर किसके बीच बनता है भाई विक्रम, सेक्टर किसके बीच बनता है, सेक्टर किन के बीच बनता है, किन, हाँ फोर्थ रह गया, अच्छा चलो फोर्थ पार है, चलो फोर्थ पार है पहले, फोर्थ, अ कॉर्ड इज अ सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ ए एक सर्कल है और उसका कोई कॉर्ड है, ठीक है कॉर्ड सर्कल है, कॉर्ड है तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। करें एक सर्कल के कोड है, सर्कल के कोड है जो कि रेडियस का डबल है, जो कि रेडियस का डबल है, तो कह रहे क्या अगर ये कोड रेडियस का डबल हो जाता है, अगर ये कोड, अरे ओ ओ क्यू क्या हमारे लिए, पी क्यू क्या है, कोड है, तो कह रहा अगर ये पी क्यू कोड ओ क्यू रेडियस का डबल हो जाता है तो क्या ये पी क्यू डायमीटर बन जाएगा, क्या पी क्यू डायमीटर बोलेंगे, हैं
बोलो भाई क्या नाम है? महक। क्या डायमीटर रेडियस का डबल होता है? होता है भाई। अरे क्या पी क्यू कोड है? पी क्यू कोड है। तो विक्रम एक चीज बता, मान लो ये मैंने कहा एम एन, क्या एम एन कोड है? एम एन कोड है। डायमीटर भी अपना में कोड होता है, तो एम एन ए कोड है और डायमीटर भी है, तो एम एन ए मान लो कोड है, क्यों कोड के लिए तो क्या होता है वो सेंटर से पास होके जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ता। तो अगर एम एन ए कोड है, क्या ये डायमीटर का डबल है? एम एन कोड भी है और डायमीटर भी है ना। अरे क्या ये डायमीटर का डबल है? नहीं सॉरी, किसका? रेडियस का डबल। अरे अगर कोई कोड रेडियस का डबल है, इसका मतलब क्या हो? डायमीटर तो है। अबे डायमीटर ही रेडियस का डबल होता है क्या? डायमीटर ही क्या होता है बताओ, बोलो भाई। हैं, मान लो कि मान लो इस कमरे में, इस कमरे में बहुत सारे जानवर है, बहुत सारे जानवर है, तो अगर कोई भौंक रहा है इसका मतलब क्या होगा? वो कुत्ता है ना, तो कुत्ता ही तो भौंक सकता है। मैं नहीं भाई, ठीक है। तो कह रहा है अगर डाई, अगर कोड रेडियस का डबल हो जाता है तो क्या रावत उसको डायमीटर बोल सकते हैं? अरे क्योंकि यार डायमीटर ही रेडियस का भी डबल होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? True. अगला क्या है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड करस्पोंडिंग आर्क। कह जो सेक्टर होता है वो जो सेक्टर होता है, सेक्टर सेक्टर जो होता है, क्या वो रेडियस, ये जो सेक्टर है, ये बड़ा सेक्टर है छोटा सेक्टर, क्या ये सेक्टर रेडियस और आर्क के बीच में आ रहा है? क्या ये सेक्टर आर्क और रेडियस के बीच में आ रहा है? ये तो आ रहा है, पर वो कह रहा है एक जो सेक्टर होता है, सेक्टर कह रहा है कोड, क्या समीक्षा क्या सेक्टर आर्क और कोड के बीच में आता है? वो कह रहा तो सेक्टर तो किसके बीच में आता है? आर्क और रेडियस के बीच में। तो क्या होगा इसका आंसर? तो जो उसने बोला वो तो फॉल्स होगा, उसने ये बोला ना, उसने तो ऐसे बोला है। क्या बोला उसने? ऐसे ऐसे है ना, उसने ऐसे बोला है। तो जो उसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था? फॉल्स है ना, लास्ट क्या है? उसने फॉल्स तो बोला है। अरे कह रहा है सेक्टर आर और कोड के बीच में आता है, वो ऐसे कह रहा है, गलत है वो। अगला, सर्कल इज ए प्लेन फिगर, क्या सर्कल प्लेन फिगर होता है? हैं, अरे प्लेन तो होता है, अरे घूमता होता है, एकदम प्लेन होता है। एक प्लेन हिंदी में इसको बोलते हैं समतल बोलते हैं, सर्कल एक प्लेन फिगर होता है भाई, प्लेन नहीं है सर्कल क्या? बोलो भाई, प्लेन तो है। अब जैसे मतलब ये वन डायमेंशन वाली चीज़ हो, जैसे एक आपका हमने बोल दो क्यूबॉइड हो गया, तो वो थोड़ा उस फॉर्म में आ गया ना, वो थ्री डायमेंशन में आ गया, तो ये एकदम प्लेन है, आप इसको कागज पर ड्रॉ कर सकते हो सिंपल उसमें, ठीक है भाई। तो ये कौन सा एक्सरसाइज हमारी 10.1 खत्म होती है।